खित्ते चनाब चनाब वैली में जब भी आप इस तरफ आए होंगे, चाहे आप डोडा गए हों, किश्तवाड़ गए हों या भद्रवाह की तरफ आपने रुख किया होगा, एक बहुत ही बिजी स्टेशन जहाँ पे हर वक्त अवेलेबिलिटी रहती थी गाड़ियों की और आपको कहीं भी जाना होता था, किसी भी वक्त जाना होता था, यहाँ पे गाड़ियाँ जो थी वो आपको मिल जाती थी। आजकल लॉकडाउन के बाद जैसे सारी ट्रांसपोर्ट बंद है एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, उसी दौरान इस ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग जो यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स थे, जो मेटाडोज चलाते थे या बाकी अन्य तरीकों से जो यहाँ पे काम करते थे, सबके काम पे एक बहुत बड़ा असर पड़ा। इन लोगों के क्या इश्यूज़ हैं, क्या इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आज हमारे साथ यहाँ के जो मेटाडोर ड्राइवर यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, टैक्सी यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ हैं। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि क्या दिक्कतें आपको अभी आ रही हैं। जी, मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं टैक्सी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम, अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे पास आए हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए। देखिए, हमारी प्रॉब्लमें ये हैं, ये आज का कोरोना का मसला नहीं है। 5 अगस्त 2019 से जब 370 का मसला हुआ था यहाँ पे, हमें उस वक्त से लेके आज तक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ज़िंदगी पटरी पे चल रही थी, अभी थोड़ा बहुत हमें काम निकल गया था, तो अचानक ये वबा हमारे सामने आई। कोविड-19 जो है ये हमारे सामने आई और इसने तो हमारा बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। हमारे ड्राइवर हजरात जो हैं, दिन को कमाते थे, शाम को खाते थे, लेकिन आज तीसरा महीना चल रहा है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल रहा है, कहीं भी हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं चल रहा है। आज तक हमने जब भी किसी ने कोई किसी का इंटरव्यू किया या कहीं भी कोई बात उठी, तो उन्होंने हर तबके के लोगों के लिए कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन दिया या कुछ ना कुछ बात कही, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये अफसोस होता है कि हमारे ड्राइवर हजरात के लिए जो और एक ख़ास हिस्सा है ये, मतलब हर चीज़ में जब ट्रांसपोर्ट अगर बंद रहेगा जैसे किसी किस्म का भी, तो इस पर असर पड़ता है, तो उनके लिए कभी किसी ने कोई बात नहीं उठाई। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, कितने लोग, कितने ड्राइवर्स जो हैं वो इस आपकी यूनियन का हिस्सा हैं या यूनियन का हिस्सा नहीं भी, जो इस रोड पे अप्लाई करते हैं या जिनको इस चीज़ से सफ़र हो रहा है, तो क्या और इनकी डिमांड्स को लेके, जो इनको दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, इनको लेके आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी से आपकी मुलाकात हुई, डीसी साहब से या किसी से भी यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में? जी जी, सबसे पहली बात तो आपने कहा कि कितने लोग हैं, ये तो हज़ारों की तादाद में है, वो सबको पता है। इसके बाद डीसी साहब ने हमारे साथ मीटिंगें की, 2-3 मीटिंगें की, उन्होंने हमें हर बार दिलासा दिलाया कि हाँ, जितना जल्दी हो सके हम आपका ट्रांसपोर्ट खोलेंगे। लेकिन अब हम उनको भी जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो भी जो कदम उठा रहे हैं वो हमारे लिए ही उठा रहे हैं। अब ये है कि उन्होंने कहा था कि हमें जो ये लॉकडाउन 3 जो था, उसके बाद आपके लिए कुछ ना कुछ हम सहूलियत कर सकेंगे। हालांकि आज तक किसी भी डीसी या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी ने हमारे साथ इतना कोऑपरेट नहीं किया है जितना है ये डीसी साहब। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसा डीसी हमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मिला है, जिनको हमें रात को 12 बजे भी काम करते हुए देखा गया। डीसी है या कोई भी ACR, तहसीलदार साहब जो भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा ये है कि कम से कम अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो अगर खोला जाए, कोई गाइडलाइन जारी की जाए, तो उसके हिसाब से मैं कहता हूँ चलो कम से कम कुछ ना कुछ। हालांकि हमारा कश्मीर के लिए होता है, हमारा जो कश्मीर है, हमारे जो भी गाड़ियाँ, टैक्सी जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादातर हमारी कश्मीर में ही जाती हैं, लेकिन वहाँ तो 5 अगस्त 2019 से ही टूरिज़्म जो है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, टूरिस्ट बाहर से नहीं आ रहा है, तो हमारी हम इधर ही गुजारा करते थे, लोकल पे ही जम्मू वगैरह हमारी गाड़ियाँ जाती थी। तो लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँ कि आपकी मेन डिमांड्स जो लाइक जो अभी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग देख रहे हैं या आम लोग आपको देख रहे होंगे, तो आपकी क्या मुतालबात हैं, क्या डिमांड्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, अभी अगर मैं वो समझने की कोशिश करूँ आपसे? देखो, हमारे मुतालबात ये हैं, सबसे पहले कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट खोला जाए या कोई कंपनसेशन, कोई अलहदा से एक ड्राइवर के लिए, इतना मोदी साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा अनाउंस किया है, उसमें से अगर कोई पैकेज हमारे लिए भी हो तो ये बहुत बड़ी, मैं हमारे गवर्नर साहब जो LG साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कम से कम हमारे जो ड्राइवर हैं, दिन को कमाना, शाम को खाना, जो कुछ बचा था वो तो उन्होंने खा लिया, अब क्या होगा इसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होगा। दूसरी बात, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे हर दिन के, और वो इंश्योरेंस है, फिटनेस है, टोकन टैक्स है, हर चीज़ है, वो भी हमें उसका, वो भी माफ़ किया जाए, हमारी ये
इल्तिजा है कि वो भी हमें माफ़ की जाए। ठीक है, ये हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ पे जो टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, इनका ये कहना है कि हम उस वर्ग को, उस समाज के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं जो दिन में कमाते हैं और शाम को खाते हैं, और लॉकडाउन के बाद हम काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, और जो इनके डिमांड्स थी जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट इनकी अलो की जाए, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये मुतालबा किया है कि इनके लिए भी ड्राइवर कम्यूनिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट कम्यूनिटी के लिए कोई रिलीफ पैकेज जो है वो दिया जाए। बाकी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें जम्मू वॉइस न्यूज़।